हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है बच्चों? नीट और जेई की तैयारी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, जिसको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये सब डिस्कस कर लिया था. आज हम क्या डिस्कस करने वाले? तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. ठीक है, अब मेटामेरिज्म क्या होता है, शर्त क्या होती है मेटामेरिज्म शो करने के लिए? तो बच्चों, मेटामेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट. पोजिशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, इनका पोजिशन डिफरेंट होता है, तो पोजिशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अब हमारे पास नया टॉपिक है बच्चों, मेटामेरिज्म. अब मेटामेरिज्म शो करने के लिए शर्त है. शर्त क्या है कि मुझे ऐसा फंक्शनल ग्रुप चाहिए जिसकी वैलेंसी कम से कम दो हो. मीन्स फंक्शनल ग्रुप शुड बी बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट. एक से ज़्यादा वैलेंसी होगी तो चलेगा, बट सिंगल वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो कोने पे लगता है. अब कोने पे कौन लगता है? तो मैं कहूँगी COH, तो फिर मेटामेरिज्म नहीं है. SO3H, सल्फोनिक एसिड, तो फिर मेटामेरिज्म नहीं है. फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट होना चाहिए, बाईवेलेंट होना चाहिए, मल्टीवेलेंट होना चाहिए, तब मेटामेरिज्म होगी. ठीक है, तो ये पहली शर्त है. अब है क्या बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. मेटामेरिज्म, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक. सो लाइक व्हाट? तो बच्चों, लाइक ईथर. अब अगर आप ईथर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो ईथर में क्या है? ROR. तो फंक्शनल ग्रुप तो ऑक्सीजन हुआ ना, लेफ्ट राइट वैलेंसी खाली है, तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा. ठीक है, तो मैं कह दूंगी ओके ईथर. और तो बच्चों, 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन तो NH2 होता है, वो तो कॉर्नर पे सेट होगा, तो 2 डिग्री अमाइन यानी कि NH. अब आप देखो, ये बाईवेलेंट है ना, 2 वैलेंसी खाली है, तो ये जरूर मेटामेरिज्म शो करेगा. लाइक 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन में भी बच्चों, जैसे ये नाइट्रोजन है ना, 3 वैलेंसी है, तो तीनों वैलेंसी क्या है? 3 वैलेंसी है, मतलब ट्राईवेलेंट है. पॉलीवेलेंट चाहिए था, बाईवेलेंट चाहिए था, तो यहाँ ये मेटाबॉलिज्म शो करेगा. कैसे करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? तो हम कहेंगे और एस्टर. अब एस्टर में क्या होता है? तो हम कहेंगे COOR, COO, और इधर क्या हो जाता है भाई? इधर R होता है ना, और इधर भी अगर हाइड्रोजन लिखूं और ना लिखूं तो इधर भी R तो होता ही. ठीक है, तो दोनों तरफ क्या है? वैलेंसी खुली है. इस R को आप बार बार चेंज कर सकते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल. तो हम कहेंगे हाँ, एस्टर में भी हो सकता है. तो ईथर हो गया बच्चों, 2 डिग्री अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, और एस्टर हो गया. अब तो बच्चों, कीटोन में भी पॉसिबल है. कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो, है ना, लेफ्ट राइट में कार्बन होना कंपलसरी. अगर एच आ गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, यहाँ एच आया तो ये एल्डिहाइड नहीं है, तो एस्टर ही. मतलब यहाँ एच आ गया तो ये एस्टर ही है ना. अब यहाँ आर होना चाहिए एल्काइल ग्रुप, यहाँ एच आता है तो एसिड होता है, अदरवाइज यहाँ आ रहा है तो ये एस्टर होता है. थोड़ा ध्यान रखना इसमें. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई हाँ, ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है लाइक ईथर, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एस्टर, कीटोन, जिनमें क्या है? तो भाई जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है ना, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है. अब होती क्या है मेटामेरिज्म? तो बच्चों, मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कार्बन एटम जो है, एल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो डिफर करता है, उन्हें हम कहते हैं मेटामर्स. अब इन्हें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, तो बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ और एल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप बीच में है ना, क्योंकि कम से कम बाईवेलेंट तो है ही, 2 वैलेंसी वाला है ना, तो उस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? डिफरेंट है ना, तो उन्हें हम कहेंगे मेटामर्स. अब कैसे? तो बच्चों, मेटामर्स हम लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा कंपाउंड
और आपको बताना है उसका मेटामर। ठीक है, तो भाई कंपाउंड और आप बता दो उसका मेटामर। ओके, तो बच्चों पहला कंपाउंड मैंने आपको दे दिया डाई इथाइल ईथर। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, दिस इज डाई इथाइल ईथर, आपको मेटामर बनाना है। तो बच्चों ये डाई इथाइल ईथर है, बस लेफ्ट राइट में क्या करो, कार्बन नंबर चेंज कर दो, है ना। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ कितने कार्बन है, दो, और यहाँ पे भी कितने हैं, दो। अब एल्काइल ग्रुप का साइज बदलो, इस कार्बन को उठा यहाँ लिया या उल्टा कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन लिखा, पहले दोनों तरफ दो दो कार्बन थे, अब आप क्या करेंगे, इधर एक कार्बन हो गया और इस साइड दो कार्बन हो गए, सॉरी दो क्या तीन कार्बन हो गए, एक कार्बन उठा के आप यहां ले गए, तो ये ऐसे हो गया। सो दिस इज डाई इथाइल ईथर, दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर क्या है, मेटामर्स है। क्लियर, तो ये सिंपल एग्जाम्पल हो गया मेटामरिज्म, कुछ भी नहीं करना है। शर्त क्या थी, फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट, दो वैलेंसी वाला होना चाहिए था। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट राइट में एल्काइल ग्रुप का साइज अलग अलग होना चाहिए। तो बच्चों टू कार्बन एक कार्बन उठा गया लिया, तो वन कार्बन और थ्री कार्बन, समझे। तो दिस इज मेटामर। ओके, और एग्जाम्पल देख लेते। तो बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल अब हमारे पास है, तो हम ले लेते हैं ईथर की जगह, या नॉर्मल ईथर की जगह हम ले लेते हैं थायो ईथर। ठीक है, CH3CH2O CH2CH3। तो बच्चों ये है डाई इथाइल थायो ईथर, ये भी इथाइल ये भी इथाइल, बीच में थायो ग्रुप है, तो डाई इथाइल थायो ईथर। अब आप क्या करो, कार्बन शिफ्ट कर दो, तो इसको उठा के यहाँ ले जाओ, है ना, या इसको उठा के यहाँ लिया, उसको कोई फर्क पड़ना नहीं, सेम चीज हो जाएगी। तो हम कहेंगे देखो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया थायो ईथर, यानी कि बीच में जो एस लिखा है वो। ठीक है, पहले S के दोनों तरफ दो दो कार्बन थे, अब हमने इस कार्बन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो दोनों कार्बन एटम, दोनों एल्काइल ग्रुप का साइज बदल गया। सो दिस इज मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो भाई ये एक दूसरे के मेटामर्स है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप आपका सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट राइट कार्बन की संख्या डिफर करनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन शुड बी डिफरेंट, या एल्काइल ग्रुप का साइज जो है बच्चों वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों कंपाउंड्स में। ठीक है, तो बच्चों ऐसा एक एग्जाम्पल में ईथर छोड़ गया, अमाइंस का ले लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया डाई इथाइल अमाइन, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज डाई इथाइल अमाइन। अब तो भाई ये डाई इथाइल अमाइन है, आप लेफ्ट राइट में कार्बन एटम चेंज कर दो, तो सेम प्रोसीजर। तो आप कहोगे ठीक है भाई मैं मिथाइल प्रोपाइल अमाइन बना लूं, तो चल जाएगा। ठीक है, तो डाई इथाइल अमाइन इज मेटामर ऑफ मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, सिंपल। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पेंटेनॉन। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH2CH3। ठीक है, तो पेंटेन टू ओन या पेंटेनॉन, या बच्चों आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये तो कीटोन है, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, तो इसका नाम मान लो मैंने लिख दिया मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है भाई, मिथाइल प्रोपाइल कीटो। ओके, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट में एल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो मान लो मैंने एक कार्बन यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मेटामर बना दो, तो क्या बनेगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो आप ध्यान से देखो, ये कीटोन, तो ये इथाइल, ये इथाइल, तो ये हो गया डाई इथाइल कीटो, डिराइव्ड नेम है बच्चों ये, है ना, तो दिस इज डाई इथाइल कीटो। तो आपने क्या देखा कि मिथाइल प्रोपाइल कीटोन था और वो तो डाई इथाइल कीटोन हो गया, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप में साइज में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया भाई, इधर तीन कार्बन थे, इधर दो दो कार्बन थे, इधर तीन और एक था। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि भाई ये तो पेंटेन टू ओन था ना, तो बात तो सही है, ये पेंटेन टू ओन था,
और उसको देखा जाए तो दिस इज पेंटेन थ्री ओम. हाँ तो ये भी ठीक है, पेंटेन थ्री ओम. तो होता क्या है कि पेंटेन टू ओन एंड पेंटेन थ्री ओम, तो बच्चों को लगता है दे आर पोजिशन आइसोमर्स. करेक्ट, दे आर पोजिशन आइसोमर्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन डिफरेंट है, ठीक है, बट ऑल्सो दे आर मेटामर्स. भाई मेटामर्स भी तो है ना, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों टिक कर दो, बोथ पोजिशन आइसोमर्स भी माने जाएंगे एज वेल एज मेटामर्स भी माने जाएंगे. सो पेंटेन टू ओन, पेंटेन थ्री ओन. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मान लो मैंने एसिटामाइड का. मान लो मेरे पास ये है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH3. अमाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है, नॉट एसिटामाइड. अब देखो नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्टेड है, तो मैं कहूंगी मिथाइल. तो भाई नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है तो आप लिखेंगे N मिथाइल, ठीक है. बाकी बच्चों ये अमाइड है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2 होना चाहिए था, तो भाई H हटा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है. सो दिस इज अमाइड. और तीन कार्बन वाला अमाइड तो मैं कहूंगी 1, 2, 3 प्रोपेन अमाइड. तो बच्चों ये हो गया N मिथाइल प्रोपेनामाइड, है ना, एन के साथ क्या है मिथाइल और 1, 2, 3 कार्बन, तो प्रोपेनामाइड. ओके, सो एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है. अब मेटामर बनाओ तो लेफ्ट राइट कार्बन चेंज कर दो भाई, इस कार्बन को उठा के यहां भेज दो. तो अब क्या मैं इसका एसिटामाइड बना दू, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और अब कार्बन देख लो भाई कितने थे टोटल, 1, 2, 3, 4 थे ना, तो पहले इधर 3 थे इधर 1 था, इस कार्बन को उठा के तुमने यहां भेज दिया, है ना. तो अब ये हो गया बच्चों मिथाइल की जगह इथाइल, ठीक है. तो दिस इज एन मिथाइल, एन मिथाइल एसिटामाइड. ओके, तो ये दोनों भी क्या है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है. क्यों मेटामर्स है, तो हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आपका बाइवेलेंट है और दोनों साइड में क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे में एल्काइल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं, है ना, एल्काइल ग्रुप के साइज में डिफर कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा मेटामर्स. क्लियर. अब मान लो एक एग्जांपल ले लिया एस्टर का. सपोज वी हैव मिथाइल एसीटेट, तो देखो CH3COO, तो बच्चों ये एसीटेट और ये हो गया मिथाइल, ठीक है. तो दिस इज मिथाइल एसीटेट. अब बच्चों एस्टर तो रखना ही है, अगर तुम्हें लगे कि मैं इसको यहां उठा के भेज दूं तो फिर एच बन जाएगा, तो एच आते तो एसिड हो गया, तो मुझे एस्टर एनी हाउ रखना है, मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है. तो भाई मुझे एस्टर रखना है तो तुम सोचो कि मैं इस चीज को तो नहीं बदल सकती, COO यहां तो आ रहेगा, ठीक है, और अगर एक ही कार्बन लिखूंगी तो वापस यही बन गया, डिफर कैसे करेगा, तो इस कार्बन को उठा के यहां भेज दो. तो भाई आर की जगह मैंने लिख दिया इथाइल, ठीक है, और यहां तो मैच लिख सकते हो, अभी भी ये एस्टर ही है ना, ओ के साथ एच होता है बच्चों तब एसिड बनता है, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो दिस इज मिथाइल एसीटेट, और वहां देखो बच्चों तो ये हो गया इथाइल, ओ के साथ जो ग्रुप कनेक्टेड है दैट इज एल्काइल यानी कि इथाइल, तो ये है इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मिथेनोएट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड तो तुम फॉर्मेट कह दो, तो इथाइल फॉर्मेट. तो ये दोनों क्या है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये आपका फंक्शनल ग्रुप था COO एस्टर, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, यहां चले तो फंक्शनल ग्रुप तो ये था COO, इधर दो कार्बन इधर नहीं है, मतलब दोनों साइड में क्या है एल्काइल ग्रुप का साइज डिफर कर रहा है, तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज डिफर कर रहा है तो हम कहेंगे दे आर मेटामर्स. क्लियर. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों मेटामेरिज्म के, तो आई होप मेटामेरिज्म क्लियर है ना. मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बाइवेलेंट और मल्टीवेलेंट, है ना, दो वैलेंसी वाला या दो से ज्यादा वैलेंसी वाला, ठीक है बच्चों. तो आई थिंक आपको मेटामेरिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी. कभी भी कोई पूछे कि भाई ये कंपाउंड है इसका मेटामर बताओ, इस कंपाउंड में मेटामेरिज्म होगी या नहीं होगी, है ना, 2-pentanone का मेटामर बता दो, ठीक है, डाइथाइलामाइन का मेटामर बता दो, है ना, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं.
ठीक है. तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.